वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जी खुशहाल प्यारे, होंगे। तो अभी क्या है कि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही कि थोड़े बहुत कपड़े में निकाल देती हूँ ठंडियों के, क्योंकि अभी 3 4 दिन से थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। ज़्यादा नहीं निकालूंगी, एक दो करके, मतलब हर पर्सन का दो तो तीन तीन ऐसे करके निकालूंगी। और बड़ी मुसीबत आती है जब भी गर्मी होता है, ठंडी होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास एक ले देखिए एक वार्डरोब है, इसी में सारे कपड़े मुझे जमा के रखने पड़ते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि मैं जितने गर्मियों के कपड़े हैं उनको निकाल कर वापस बॉक्स में डाल दूंगी और ठंडियों के कपड़े में इसमें रखने वाली। हालांकि मैंने एक एक और वार्डरोब का सेक्शन खाली कर रखा है जिसमें मेरा मंदिर है उसके ऊपर वाला सेक्शन, उसमें क्या कि थोड़े बहुत तो उसमें भी मैं ठंडियों के कपड़े जमा दूंगी, वहीं मैं रखा कर देती। लेकिन अभी क्या है कि उसमें भी मेरा मेकअप वेकअप का सामान है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। जगह है नहीं मेरे पास, तो कम ही कपड़े में निकाल पाती हूँ। और ये सारे कपड़े आयुषी के छोटे हो गए हैं, लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है मेरी बेटी की, तो अच्छी बात है ना, बढ़ रही अच्छी बात है, लेकिन कपड़े उसके सारे ही छोटे होते जा रहे। तो मैं सोची कि रखने से अच्छा कि मैं किसी को दे दूंगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसी बॉक्स में मैं गर्मियों के ठंडियों के एक्स्ट्रा जो मेरे कपड़े होते हैं ना हमारे मतलब चारों जनों के, सब इसी में बॉक्स में रखती हूँ। आमतौर पे सबके घर में क्या है कि सबके घर में ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन मेरे पास ये कार्टन जो कार्टून होते हैं ना वही बॉक्स है। और मैं नहीं लेती हूँ कि क्या फ़ायदा के लेकर, मुझे वैसे भी कुछ दिनों में मतलब कुछ टाइम बाद घर में जाना ही है, तो फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ। इसी से काम मेरा चल जाएगा, इसी में मैं रखती हूँ। अम्बाला से जब आई थी तो इसी में सामान पैक करके आई थी, और यहाँ से जब जाऊँगी तो इसी में मेरा सारा सामान पैक होके जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये सब करते करते ना थोड़ा सा मन में घबराहट सी होने लगती, क्योंकि मैं ना सुबह से बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रखी हूँ। और सोची कि आज अगर नहीं निकलती हूँ तो मैं कल भी नहीं निकाल पाऊँ, क्योंकि जो काम अभी सोचते हो ना वो तुरंत हो जाए तो अच्छी बात है। सो गाइस, ये चल रहा है हमारा स्नैक्स टाइम। तो यहाँ पर है बड़ा फोफा, छोटा फोफा, फोफी, इसको गांव में फोफी बोलते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते, क्या बोलते इसको यहाँ पे, जो भी हो, पापड़ी है, चिप्सी है। तो ये छोटा छोटा कट करके पीस कर दिया गया यहाँ पर। ये बड़ा वाला है, पता है, ये भी छोटा ही है। जब हम छोटे थे ना तब इतने बड़े बड़े मिलते, उंगली उंगली से भी बड़े। हम लोग उंगली में, पाँच उंगली में पाँच लगा कर खाया करते थे मस्त एकदम मजे से। अभी तो खैर, अब पता है ये इसको ना रेत में भी भूनते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब सुंदर सुंदर लगता है। तो अभी आयुषी महारानी आई है प्रैक्टिस से, क्या हाल है? मजा आता है। हैं, गलती करोगी तो डांट तो पड़ेगा ही। अरे वो दूसरे खड़े, एक तो चश्मा लगा रखा है ठीक है, सन ग्लासेस, उनका आज दिखता भी नहीं कि कौन किसको पॉइंट कर रहे हैं ठीक है। दो खड़े होके फिर बोलते इधर आओ इधर आओ, अब समझ ही रहे किसको बोल रहे हैं, पास आके नहीं कर सकते, इस दूर खड़े होके बोल रहे हैं। अच्छा, तुम डांट खाई ना? फिर डांट खाता था खाते में, एक बार खाती जा तो रही है, लेकिन इसके पीछे ना इसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मुझे इसी की टेंशन लगी हुई है। बेटा नहीं। दो से UT 2 स्टार्ट हो रहा है। नहीं नहीं क्या मतलब, हो तो रहा है कि नहीं? अभी टाइम है। इस लड़के को देखो, इसको 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 ठंडी ही नहीं लग रही है, बताओ। अब मैं कंबल में बैठी हुई, देखो कंबल ओढ़कर बैठी हूँ। इनको बोला था ठंडी का कपड़ा निकाल दे, मेरा ना सैटरडे को निकला है, निकाल दी मैं दोपहर में ही निकाल दी। मैं स्कूल के होते ना ग्रुप से, चौधरी थी, मैया, करे अप्पा, फिर मनीषा, मैं सबको मैच क्रिकेट मैच मीन्स उसके लिए सेलेक्ट हूँ बॉलिंग के लिए। फिर अभी मैं उसकी प्रैक्टिस, अभी बैटिंग का थोड़ा कर रहा हूँ, बैटिंग का कॉल होगा ना। सो गाइस, मैं भी बच्चों के साथ बैठकर चिप्स का एंजॉय कर रही हूँ, और अभी मैं जा रही चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम हो गया, टी टाइम हो गया, 6 बज गया है शाम के। स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, सपोर्ट तो यार बड़ा कम सपोर्ट मिल रहा, कमेंट तो एक इक्का दुक्का। अरे दुनिया का नंबर 1 ब्लॉगर मैं हूँ जिसके पास कमेंट ही नहीं आते है ना, नीचे से हम बेटा क्या करते हैं, नीचे से ट्रेंड कर रहे हैं ना, नीचे से ट्रेंड कर रहे हैं नीचे से। चलो कोई बात नहीं, और आप लोग बताया करो यार क्या कमी है, ताकि मैं उसको मतलब पढ़कर आपसे पता करके उसको मैं सीख सकूँ, कमी दूर कर सकूँ, ताकि मेरा ब्लॉग आप सबको पसंद आए। खैर नहीं आ रहा तो उसमें क्या कर सकते। चलो अभी चाय बनाते हैं, गर्मा गर्म अदरक वाली, अदरक तो है ही नहीं, या अदरक नहीं लाए आप, मैं अदरक भी बोली थी, इनको बोलो ना भूल जाते हैं, मैं लिख के दूँ ना तो समझ में आएगा क्या क्या लेना है। इनके मुंह में दही जमा है, कुछ बोल ही हाँ, नहीं रहे। तो अभी मैं जा रही हूँ काली मिर्च की मस्त वाली चाय, तीखी तीखी चाय, मीठी चाय, और गर्मा गर्म काली मिर्च की चाय बनाने वाली हूँ। अदरक तो है नहीं फिलहाल, कल आएगा अदरक, ठीक है। चलो तो फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी चाय का टाइम हो गया है, मैं वॉक करके आ चुकी हूँ। तो वॉक करके आने के 1 घंटे बाद मैं चाय लेती हूँ।
तुरंत मैं चाय नहीं पीती और पीना भी नहीं चाहिए। एक वॉक करके, जिसे आप वॉक करके आते हो ना, रनिंग करके आते हो, तो तकरीबन 10 मिनट बाद पानी पी, अगर बर्दाश्त नहीं होता है आपसे, बहुत ज़्यादा गला सूखता है, तो आपको तुरंत पी लेना चाहिए। अगर सह सको तो थोड़ी देर बाद पानी पियो। मैं आज खाऊंगी चावल कद्दू की सब्जी के साथ, मुझे चावल बहुत पसंद है। तो आज मैं डिनर में बनाई थी कद्दू की सब्जी और दाल था और था रोटी। तो बच्चे कर लिए, अब बच्चे फिलहाल बैठेंगे पढ़ने के लिए, 8 बज रहा है अभी। और मेरा किचन का टोटल काम खत्म हो गया, बर्तन भी क्लीन हो गए, स्लैब भी क्लीन हो गए, लेकिन हालांकि स्लैब अभी गंदा होने वाला है दोबारा, क्योंकि मैं अभी सुबह की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग का जो बस है ना, अंकल ने बोला बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, 100 या फिर 150 करके बच्चे हो गए, तो अंकल अभी 2 ट्रिप करके लेके आएंगे। पहले जल्दी आएंगे, फिर बाद में देर से आएंगे। पहले क्या था कि मतलब पहले नहीं, जैसे ये सब चीजें होती ना, ये पत्ता वत्ता प्याज या फिर ऐसी चीज जैसे भिंडी हुआ, ये सब ना रात को ही कट करके रख लो। हालांकि मैं सब्जी रात को कट करके रखती नहीं हूँ, लेकिन वही एक इंसान की आंख है, अगर नींद नहीं खुली तो बच्चे लेट हो जाएंगे, मैं लेट उठूंगी तो बच्चे भी लेट होंगे, सीधी सी बात है। मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ी हो सुबह में, तो कुछ काम ना रात को ही कर लो ना, तो बहुत सही रहता है ना। सब्जी वगैरह तो काट के रख ही सकते हैं। नहीं, कैसा सब्जी, अजीब सा, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें तो पसंद है, कब खाया मैंने तुमको पता ही नहीं चला, मैं कब दी तुमको, उस दिन बनाई थी, पर उस दिन मैंने बहुत लग रहा है पत्ता गोभी डाल दी थी, इसका कुछ नहीं डालूंगी, केवल इसका बनाऊंगी और आलू कम मिक्स करूंगी इसमें। अच्छा, लाल लाल वाला आलू, एक लाल आलू भी तो मिला था, बहुत मीठा था, बेकार था। तो अभी फिलहाल मैंने सबको डिनर करा लिया और अभी टाइम है सोने का। हालांकि अभी हम लोग सोने नहीं जा रहे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनकी आदत है डिनर करने के बाद 1 से 1.5 घंटा पढ़ते हैं तभी जाकर वो सोते हैं। तो जब तक आपका बच्चा जगता रहता है ना, तब तक आपको नींद कैसे आएगी, है कि नहीं? एक माँ की तो यही आदत होती है। अम्मा, आपको पता है जो इंडिया था ना, इंडिया में मींस इंडिया का, दीदी को दिखाना बुक, उसमें लिखा है ना कितना परसेंट इंडिया, ब्रिटिश ने इंडिया को ले लिया था। और पता है अभी क्या है कि अभी आयुषी बहुत ज़्यादा थक जा रही, प्रैक्टिस के लिए भी जाती है, आकर अपने स्कूल का होमवर्क भी करती है, ट्यूशन का भी होमवर्क करती है, ट्यूशन भी अटेंड करती है। इस चक्कर में मेरी बेटी बहुत ज़्यादा थक जाती है और मुझे दया सी आती है कि यार मतलब कब तक ये चलता रहेगा, बहुत अजीब सा लगता है। और फिलहाल ये वाली जो क्लिप है ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो अभी मैं घर का पूरा काम खत्म करने के बाद मैं सावर लेकर आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। ये वाला जो पल होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार। भगवान के सामने आप प्रे करते हो अपनी फैमिली के लिए, अब मतलब अपने दोस्तों के लिए, सब के लिए, कि भगवान उनकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी खुशहाल बनाए रखना, उनकी तकलीफ़ें दूर रखना, हमेशा उनका साथ देना, और सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, तो उनको शुक्रिया अदा करना हमारा फ़र्ज है। भगवान को पूरे दिन में कम से कम एक बार जरूर याद करो यार, जब भी मतलब कितना भी बिजी रहो, लेकिन उनको एक बार जरूर याद करो, बहुत ही ज़्यादा सुकून और तसल्ली मिलता है। मेरी आदत है, मैं बिना पूजा पाठ किए कुछ भी नहीं खाती हूँ, और सोने के टाइम भी मैं गॉड को जरूर प्रे करती हूँ कि भगवान रात अच्छे से निकाल देना, दिन अच्छे से निकाल देना, और जो भी दिए हुए वो हमारी लाइफ में बना रहे। तो फिलहाल पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं एक ले रखी हूँ पराठा, एक ले रखी हूँ रोटी। तो मुझे ना, मैं हमेशा ऐसे ही खाती हूँ, अगर मुझे पराठा खाने का मन करता है तो मैं एक ही लेती हूँ पराठा, एक रोटी लेती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा पराठे पसंद नहीं है। कि आज मुझे बच्चों के लिए नमक पारे बनाने, काफ़ी दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मम्मा आपने नमक पारा नहीं बनाया है, तो फिलहाल मैं इसीलिए जल्दी जल्दी एक साइड मैंने लंच के लिए दाल रख दिया है, दूसरी साइड में नमक पारे की तैयारी कर रही हूँ, कि ताकि जब मैं वहीं पर खड़ी हूँ, वहीं खड़े को मुझे बनाना ही है, तो सारे काम एक साथ क्यों ना हो जाए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत सी होगी, किचन में सब कुछ एक जगह रखा रहता है, तो आप एक साथ कई काम कर सकते हो। पहले क्या था कि मम्मी लोग क्या करती थी कि उनका जैसे किचन बहुत ज़्यादा मतलब दूर होता था, चूल्हे जो मिट्टी वाले थे वो दूर रहते थे, आंगन वंगन में रहा करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती।
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो यहाँ पर अप्पे बन गया. सॉरी अप्पे बोल रही हूँ, थकान के चक्कर में कुछ भी बोल रही हूँ. नमक पारा बन गया है और ये मेरा इडली का जो बर्तन है, मेरे पास और एक्स्ट्रा है नहीं, है पर निकाल ली, रखी जगह नहीं है तो मैंने इसमें रख दिया है. और अभी ध्रुव खाएगा क्योंकि इसका फेवरेट है ना ध्रुव बाबू, है ना. अभी तुम खाओगे ना, अभी सोकर माँ बेटे दोनों ही उठे मस्त, अच्छी खासी 1.5 घंटे की नींद ले ली है ना. मजा आ गया आज सोकर एकदम से. तो मैं भी 1.5 घंटे की नींद ले ली ध्रुव के साथ. मैं माँ और बच्चे दोनों ही सो गए थे, बहुत अच्छा लगा सोकर. काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मैं नाश्ता करने के बाद से, मैं लगी थी नमक पारा बनाने में. बनाते बनाते मुझे 1.5 से 2 घंटा लगे. उसके साथ मैंने खाना भी बना लिया था लंच, जो मैं नहीं दिखा पाई. और फिर इतना थकान हो गया. तो मैं यही होता है अगर मैं बिना आराम किए कोई भी काम कर लेती, मतलब लगातार काम करती हूँ ना, तो मुझे ना अजीब सा होने लगता है, एकदम घबराहट से होने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है. इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि काम के ब्रेक में 10-15 मिनट का, मतलब सॉरी क्या बोली मैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ काम के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरी बॉडी के लिए. काम तो डेली चलता है, लेकिन आज मैंने खुद ही नहीं लिया, नॉन स्टॉप में भागती गई. और आज मैंने स्वेटर रखने की जगह भी खाली कर दी. उस रूम में जो वार्डरोब है वाला एक सेक्शन मैंने खाली कर दी, वहाँ पर रखूँगी. और आज मैंने पहली बार देखो स्वेटर पहन रखा है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा बाहर चल रही है. और अभी मैं जाने वाली हूँ वॉक पे. तो फिलहाल मैं ये नमक पारा दूंगी ध्रुव को खाने के लिए, जो कि अभी सोकर उठा है. अभी भी ये भी जस्ट सोकर उठा, माँ बच्चे अच्छी सी नींद ले ली है. काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब नींद लेने के बाद एकदम फ्रेश सा लगता है. और हाँ, आयुष अभी आई नहीं है प्रैक्टिस से. 5 बजे ही देखो पूरा अंधेरा हो गया यहाँ पे. 5 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है. तो मेरे ख्याल से अभी 1.5 घंटा और लगने वाला है उसको आने में. वो भी देखेगी तो काफ़ी खुश होगी, क्योंकि उसका भी फेवरेट है. पर मैदा है ना, मैं सब बच्चों को बोलती हूँ कि थोड़ा कम खाया करो, ये सब चीज़ें ना नुकसान करती है कि नहीं. चलो दे देते ध्रुव को. खाकर बताओ कैसा बना है. अभी खाए भी नहीं, अच्छा है. चलो वीडियो एंड करो. सो गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और घंटी को जरूर दबाना. बाय बाय. इतना सस्ता, इतना ठंडा. तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल से जो वीडियो चल रहा था, ब्लॉग जो चल रहा था, उसका मैं एंड करने वाली हूँ अभी. और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहो, थोड़ा हम सब छोटे ब्लॉगरों का भी सपोर्ट करते रहो, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले दूसरों की तरह. मतलब मेहनत तो हम सभी करते हैं यार, जैसे बड़े करते वैसे छोटे भी करते, मेहनत सबका सेम पड़ता है. ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं होता है, करना पड़ता है, पर अच्छा भी लगता है. आपके साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है. अपने मतलब आप भी तो हमारी यूट्यूब फैमिली हो, फैमिली की तरह हो, दोस्त हो. तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करने में, आपके साथ प्यार बांटने में, बढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगता है. बस आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे. तो मैं फ़िलहाल अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और कल मैं फिर से हाजिर होंगी एक नए ब्लॉग के साथ. आप लोग के लिए मैं लेकर आऊँगी एक नया प्यारा सा ब्लॉग. तो मिलते हैं कल. बाय.